हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। माता दुर्गा को समर्पित है नवरात्रि के 9 दिन। इन दिनों माता के 100 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा अर्चना करने से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में नवरात्रि का पावन पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। वहीं घर में कुछ चीज़ें रखने से नकारात्मक प्रवेश करती है और सुख समृद्धि पर बुरा प्रभाव डालती है। ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। दोस्तों, कई लोग पूजा पाठ से जुड़ी धार्मिक पुस्तक अपने घर में रखते हैं। वही पुस्तकें जब पुरानी हो जाती हैं तो फटने लगती हैं। कभी भी घर में कटी फटी या गले पन्नों वाली धार्मिक पुस्तक नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। इन्हें बहते जल में नवरात्रि से पहले प्रभावित कर दें। घर में या फिर मंदिर में खंडित मूर्ति रखना बेहद अशुभ यानी माना जाता है अशुभ माना जाता है। टूटी फूटी या जल गई मूर्ति रखने से बनने वाले काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए अगर आपके भी घर में खंडित मूर्तियां मौजूद हैं तो उन्हें नवरात्रि से पहले किसी पवित्र नदी में प्रभावित कर दें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कभी भी घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है बंद घड़ी रखने से किस्मत भी बंद घड़ी जैसी हो जाती है। इसलिए नवरात्रि से पहले ही अपने घर से बंद घड़ी बाहर निकाल फेंकें। बंद घड़ी या ख़राब ताला रखने से तरक्की भी रुक जाती है। कई बार लोग ऐसे जूते चप्पल घर में समेट कर रखते हैं जिन्हें वे ना तो पहनते हैं ना किसी को काम आते हैं। वास्तु विद्या के अनुसार कभी भी घर में फटे पुराने जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हो। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। कहते हैं इन दिनों जो भी मांगो वो माता रानी पूरा करती है। ऐसे में यदि आप भी माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले या आज ही घर से कुछ खास सामान बाहर निकाल फेंकें। यदि नवरात्रि में इन चीज़ों को रखा तो माता रानी नाराज़ हो सकती है। वही सामान बाहर निकालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा पास आती है, सुख समृद्धि। दोस्तों, नवरात्रि में अपने घर पुराने और फटे हुए जूते चप्पल कपड़े अन्य पहनने की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को किसी को दान कर दें या घर से बाहर कर दें। इन्हें रखने से घर में दरिद्रता आती है, फिर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी आती है, खर्च बढ़ जाते हैं, जॉब और बिजनेस में समस्याएं आने लगती हैं। नवरात्रि में तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में प्याज लहसुन को भी तामसिक भोजन माना जाता है। नवरात्रि में इनका सेवन करने से माता रानी रूठ जाती है, फिर आपको मनचाहा फल नहीं मिलता है। वह आपके घर वास नहीं करती है, इसलिए नवरात्रि में घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। इन्हें घर में भी ना रखें, इनसे 9 दिनों के लिए दूरी बना लें। दोस्तों, नवरात्रि में घर में बंद पड़ी घड़ी मोबाइल टीवी गाड़ी या अन्य चीज़ें रखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी चीज़ें घर में निगेटिव एनर्जी लाती है। इसके अलावा घर में टूटी फूटी चीज़ें जैसे टूटा फर्नीचर कांच इत्यादि भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें घर में बुरी घटनाएं कराती है। इनसे भाग्य कमजोर होता है, शत्रु आपके ऊपर हावी होता है, वहीं माता रानी भी नाराज हो जाती हैं। नवरात्रि का पूजा पाठ और व्रत बहुत नियमों के साथ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान कुछ चीज़ें घर लाई जाए तो माता रानी जरूर प्रसन्न होती है और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। दोस्तों, आप घर में धन समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्र पट लाएं जिसमें वे कमल पर विराजमान हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। कमल देवी लक्ष्मी का प्रिय फूल है। नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को घर में 16 श्रृंगार का सामान जरूर लाना चाहिए।
सिंघार के सामान को घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश की चित्र बना हुआ हो तो और भी शुभ होता है। अपने पर्स में सोने या चांदी का सिक्का जरूर रखें, इससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, शास्त्रों में मोर पंख को बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर मंदिर में रखने से कई फायदे होते हैं। मोर पंख विद्यार्थियों के कमरे में रखने से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। लॉकर के पास मोर पंख रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगती है। ये नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाती है। दोस्तों, नवरात्रि में केले के पौधे घर में लाना चाहिए, इससे घर के आंगन में लगाएं और पूजा करने के बाद इस पर रोजाना जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन इस पर दूध भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसा की दिक्कत नहीं रहती है। आप ये 5 चीज़ें जरूर दान करें। कहा जाता है कि ये चीज़ें माता रानी को अति प्रिय है और इन्हें दान करने से माँ प्रसन्न होती है, तो आप इसे जरूर दान करें। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी मां क्रोधित हो जाती है। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का एक तिहाई भाग बीत जाने के बाद होती है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित ना कर पाएं तो अविवजित मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अविवजित मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अविजित मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदें। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल चुनरी, सिंदूर, फल, फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम से अखंड ज्योति जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधे। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल से मिलाएं। फिर इसमें 1.25 रुपया दुबी सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें अपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि माँ भगवती की आराधना के इन दिनों में जो व्यक्ति सच्चे मन से इन 9 दिनों के दौरान व्रत, तप, यज्ञ और दान करते हैं, उसे इन सब का करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी दुर्गा की शक्तियों की आराधना के ये 9 दिन परम मंगलकारी माने जाते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में कुछ विशेष दान किए जाएं तो इससे अपार धन लाभ के योग बन सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 52 दिनों में 8 साल से छोटी कन्या को लाल चूड़ियों का दान करना चाहिए। कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें लाल चूड़ियां पहनाने से देवी कृपा बरसती है। बताया जाता है कि जो लोग प्रसन्न मन से कन्याओं को लाल चूड़ियां दान करते हैं उनके घर में बरकत होती है और देवी खुश हो जाती हैं। देवी दुर्गा सुहागिन हैं, उन्हें सुहाग का सामान बहुत पसंद है। नवरात्र के दौरान किसी भी एक दिन मेहंदी लाकर देवी माँ को अर्पित करें, फिर मेहंदी को 7 सुहागिन स्त्रियों में बांट दें। कहते हैं कि मेहंदी लगाकर स्त्रियाँ जितना प्रसन्न होगी देवी दुर्गा भी उतना ही प्रसन्न होती है। माना जाता है कि मेहंदी का दान करने से धन दानने के योग्य बनते हैं।
दोस्तों ऐसी ही मान्यता है कि केले का दान करने से घर में बरकत आती है। जो कि व्यक्ति नवरात्र के पावन 9 दिनों के दौरान केले का दान करता है उसके घर में शुभता आती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इससे उनके घर में धन धान्य बनने के भी योग बनते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हैं यानी कि गरीबी से निजात पाना चाहते हैं उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों शारदीय नवरात्रि का हिंदुओं में विशेष महत्व बताया गया है। माता दुर्गा के 9 रूपों के पूजन को बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस पर्व को दुर्गा पूजा की तरह भी मनाया जाता है। इस दौरान लोग माता का पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं और घर की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों धन लाभ के योग बना सकते हैं। इन विशेष उपायों से घर में धन धान्य बना रह सकता है और खुशहाली आ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि वो उपाय है क्या। नवरात्रि के दौरान आप किसी भी एक दिन पानी में दही मिलाकर नहाएं। यदि आपके हाथ में पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता है तो इस उपाय से घर में बरकत होगी और धन की वृद्धि होगी। नवरात्रि के दौरान दुर्गा के 9 रूपों का हम स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो हमारे लिए धन के योग बना सकती हैं। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन पानी में ही हरी इलायची डालकर स्नान करेंगी तो आपको अपार धन मिलेगा। नवरात्रि के दौरान आप धन लाभ के लिए माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। इस दिन आप श्री सुखतम का पाठ करें, इसे आपको लाभ होगा। दुर्गा जी की रोज पूजा अर्चना करें और उन्हें अष्टमी तिथि के दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके लिए धन के योग तो बनेंगी और पति पत्नी के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। नवरात्रि के 5वें दिन सफ़ेद कौड़ी, कमलगट्टे, साबुत सुपारी, हरी इलायची, मखाने सभी चीज़ें 5 की संख्या में लें और मुट्ठी भर हवन सामग्री के साथ मिश्रित करके 108 बार माला जाप करते हुए हवन करें। नवरात्रि की पूजा के दौरान आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें पान का वीरा अर्पित करें। इस उपाय से आपके लिए धन के मार्ग खुलेंगे। यदि आप नौकरी और व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो पान के पत्ते का इस्तेमाल करें। नवरात्रि के 9 दिनों में करें। इन दिनों में आप पान का पत्ता लेकर उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ रखें और माता दुर्गा को चढ़ाएँ। इस उपाय से आपका रुका हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। नवरात्रि में अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। ये भी सुख समृद्धि का कारक होता है। यदि आप हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे तो यह घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने में मदद करेंगी। दोस्तों नवरात्रि में कलश या घट की पूजा की विशेष मान्यता है। इस दौरान यदि आप घर में किसी वजह से घट स्थापित नहीं कर पा रही हैं तो रोज घट की पूजा मंदिर जाकर करें। नवरात्रि के दौरान 9 या अपनी श्रद्धा अनुसार सुहागिन महिलाओं को लाल चूड़ियां दान करें। इसके अलावा अष्टमी या नवी के दिन कन्या भोज करवाने के बाद आप कन्याओं को भी लाल चूड़ी पहना सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दौरान केले का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गरीबों या ब्राह्मणों को केला दान करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों नए कपड़े का भी दान बहुत ज़रूरी है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को नई चुनरी या वस्त्र दान करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही घर में अगर कोई किसी रोग से परेशान है तो उन्हें भी रोगों से मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो कन्याओं को लाल गुलाबी या पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। ये रंग माता रानी को बहुत ही पसंद आती है। किसी पढ़ने वाले बच्चे को किताबें दान करना नवरात्रि के दौरान बहुत फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि किसी असहाय बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने से आपके जीवन में कभी दुख नहीं आता और माँ लक्ष्मी और सरस्वती माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। अगर आप भी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं लेकिन कई मशक्कत के बाद भी प्रमोशन या नई नौकरी मिल रही है तो नवरात्रि में शुक्रवार के दिन 4 इलायची कोई हरे कपड़े में बांध लें, इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, फिर अगले दिन किसी को दान कर दें। इससे नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से घर में धन की वर्षा होगी। नवरात्रि में दुर्गा मंत्र का जाप भी विशेष होता है। इन दिनों में यदि आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो लाभदायक होगा। यदि आप
शारदीय नवरात्रि में यहाँ बताए उपाय आजमाएंगी तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने तक बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर आप शेयर करती हैं तो दूसरे को भी लाभ पहुंचेगा, उसे मदद मिलेगी और ये उपाय करके वो भी अपने धन आने के योग्य बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।